अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादन की अबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन में हलाकत के बाद इस पुरअमन शहर अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादन की अबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन में हलाकत के बाद इस पुरअमन शहर के आवाम सख्त खौफजदा और बेचैनी की कैफियत में मुबतला थे, जिसे कम करने के लिए फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज की फ्रंटियर वेलफेयर सोसाइटी ने तफरी प्रोग्राम और चैरिटी शो का इनेकाद किया, जिसमें तलबा व तालिबात ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। काफी गैदरिंग हुई, काफी शुगर है, काफी अच्छा लगा, यहाँ पे माहौल काफी अच्छा हो गया। लाइक बड़े अरसे के बाद कोई ऐसी चीज हुई आपके बाद में कि इससे कुछ बहुत अच्छा फील हुआ। देख रहे हैं काफी ज्यादा बहुत एंटरटेनमेंट है और बहुत सारे एक्टिविटीज भी हम लोग ने रेस किया है। शो में फूड खवातीन के लिए कपड़ों के स्टार्स लगाए गए और म्यूजिकल प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि चैरिटी और तफरी प्रोग्राम के इनेकाद से उसामा बिन लादन की हलाकत के बाद दुनिया को ये बावर कराना था कि एबटाबाद के आवाम बिला खौफ नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और चैरिटी शो से गरीब और नादार मरीजों के इलाज में भी मदद मिलेगी। 2 मई वाले दिन जो एक मनफी इमेज पैदा हुआ था एबटाबाद का, उसको थोड़ा दूर करने के लिए कि ये बड़ा पुरअमन और बड़ा खूबसूरत किस्म का शहर है। एबटाबाद के अंदर एक कॉलेज के अंदर एक फन फेयर का इनेकाद किया जो कि चैरिटी बेस के ऊपर है और हमारा एम यह है कि हम पूर पेशेंट जितने भी हमारी कम्युनिटी में और कॉलेज के अंदर है हम उनको फ्री चैरिटी प्रोवाइड करें। एबटाबाद के सियासी व समाजी हलकों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद को सराहते हुए कहा है कि इस नौयत के प्रोग्राम जारी रहने चाहिए। मोहम्मद इशफाक, ARY न्यूज़, एबटाबाद।